हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग संस्कृत में षष्ठा पाठ ईद महोत्सव पढ़ेंगे। ईद महोत्सव मीन्स ईद का त्यौहार उत्सव। याकूबा सलमा सलमा चैति त्रीणी मित्राणी गगनो उन्मुखानी भूतवा सायं दृष्टम चेष्टन्ते। याकूब सलीम सलमा तीनों मित्र आकाश की ओर मुंह करके शाम को देखने की चेष्टा करते हैं। यत ही इदस्य चंद्र दर्शनम नातिव सरलम, क्योंकि ईद के चांद का दर्शन अत्यंत सरलता से नहीं होता है। याकूबा अत चंद्रस्य दर्शनम जातम स्व एव इदस्य महोत्सवो भविष्यति। याकूब बताता है आज चंद्रमा के दर्शन हुए, कल ईद होगी। सलीमा मित्र ईद दिवसस्य निर्णय का। सलीम अपने मित्र से पूछता है कि ईद के दिन का निर्णय कौन करता है। याकूबा दिल्लीता इमामो महोदया करिष्यति, रात्रौ एव तस्य उद्घोषो भविष्यति। सखी सलमे किं त्वं उद्घोषं ध्यानेन श्रुत्वा आमं सूचयसि। याकूब बताता है मित्र, ईद के दिन का निर्णय तो दिल्ली के इमाम महोदय करते हैं, रात में उसकी घोषणा होगी। सखी सलमा, क्या तुम घोषणा को ध्यान से सुनकर हमें सूचित करोगी। सलमा, अहम अवश्यम सूचिष्यामि, इमाम महोदया रात्रौ ससूचयति यत अद चंद्रदर्शनम जातम अतः श्व एव इदस्य उत्सवो भविष्यति। तम उद्घोषम श्रुत्वा अतिप्रसन्ना सलमा याकूबम सलीमम च सूचयति। सलमा, मैं अवश्य सूचित करूंगी, इमाम महोदय रात को सूचित करेंगे कि चंद्र दर्शन आज हुआ, अतः कल ही ईद का त्यौहार होगा। यह घोषणा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो सलमा याकूब और सलीम को सूचित करती है। याकूबा स्व वयम प्रातः काले एव ईदगाहम चलिष्यामः। याकूब कहता है कल हम सवेरे के समय, सुबह के समय ही ईद में चलेंगे। सलीमा, वयम तत्र गमनाया स्वच्छानि नवानि वस्त्राणि एव धारयेम। सखी सलमे, त्वं किं करिष्यसि। सलीम कहता है हमें वहाँ जाने के लिए साफ और नए कपड़े पहनने चाहिए। सखी सलमा, क्या तुम क्या करोगी। सलमा सखे, अहम ईद उत्सवे नवानि एव वस्त्राणि धारयिष्यामि। सलमा कहती है मैं ईद के त्यौहार पर नए कपड़े ही पहनूंगी। याकूबा, तरी युवाम स्व ममैव गृहम आगमिष्यथ, वयम ईतः युगपदेव ईदगाहम गमिष्यामः। प्रातः काले सलीमा सलमे शुल्लहासम याकूबस्य गृहम आगच्छत, ततः ते ईदगाहम प्रति गच्छन्ति। तत्र प्रथम ते पकड़दौ स्थित्वा स ईश्वरस्य प्रार्थनां कुर्वन्ति, तत्पश्चात् परस्परं स्नेहम् आलिङ्गयन्ति। ते मेलापकस्य मनोहरं दृश्यं दृष्ट्वा सुस्वादूनि मिष्ठान्नानि कृत्वा गृहं प्रत्यागच्छन्ति। सायं पुनः ते अन्योन्यं गृहं गत्वा दीर्घसूत्रिका खादन्ति, परस्परं मिलन्ति च। याकूब, सवेरे के समय सलीम सलमा उत्सव के साथ याकूब के घर जाते हैं, फिर वे ईदगाह चले जाते हैं। वहाँ प्रथम पंक्ति में खड़े होकर अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर वापस आपस में प्रेम से गले मिलते हैं। वे मेले के सुंदर दृश्यों को देखकर मीठी मिठाइयाँ खरीदकर घर लौट आते हैं। शाम को वे फिर एक दूसरे के घर जाकर मिलते हैं और सेवैयाँ खाते हैं। इस प्रकार ईद का त्यौहार मनाते हैं।